नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत है आपका स्टडी मेरी इज्जत में। जैसा कि आपका कंप्यूटर में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हैं। आंसर है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरीफेरल डिवाइस। कंप्यूटर में कौन कौन सिस्टम शामिल हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पेरिफेरल डिवाइस है और आपके सॉफ्टवेयर, ये चीजें हैं। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? रिसोर्स। यानी रिसोर्स शब्द का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। किसके रूप में स्टोर की जाती है? आंसर है डिजिटल डाटा के रूप में, जो कंप्यूटर पर जानकारी स्टोर की जाती है। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर का प्रकार प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके खाली जगह को परिभाषित करता है। तो प्लेटफॉर्म को किसको परिभाषित करता है? प्लेटफॉर्म को परिभाषित करता है। प्रश्न अगला है कि पर्सनल कंप्यूटर खाली जगह की कंप्यूटरिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को कहते हैं बॉर्म बूटिंग। क्या कहते हैं? बॉर्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने का क्षमता होता है। तो इसका जो आंसर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने का क्षमता होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बूटिंग। यानी बूटिंग जो प्रक्रिया है यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है और उचित ढंग से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? तो जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। प्रश्न अगला है, कंप्यूटर से संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य ऊर्जा है। तो मुख्य ऊर्जा क्या होती है? तो मुख्य ऊर्जा होती है माइक्रो प्रोसेसर। यानी किसी भी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो मुख्य ऊर्जा है वो है माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न अगला है, वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो वाल्व लगे जो कंप्यूटर हैं वो आपके पहले पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया है मोचले एवं अकर्ट ने किया है। किसने किया है? मोचले एवं अकर्ट ने। प्रश्न अगला है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में किसके प्रयोग किए जाते हैं? तो BLSI का प्रयोग किया जाता है आधुनिक कंप्यूटर में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ऑन ए चिप। प्रश्न अगला है, इंटीग्रेट सर्किट किससे बनाई जाती है? तो इंटीग्रेट सर्किट जो चिप है वो सिलिकॉन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन की बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि एनीएक का पूरा नाम क्या है? तो एनीएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनीएक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा था? इलेक्ट्रो मैकेनिकल। कौन सा था? इलेक्ट्रो मैकेनिकल। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है,
एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, तो ये निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, एनालॉग जो कंप्यूटर हैं वो निम्न स्तर पर संप्रेषित करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो मार्क वन कैसा है, एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था, तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो 1979 बना था, कब बना था, 1979। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ, क्या है, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन कौन सी है, तो सबसे पुराने जो आंकड़े गिनती है वो मशीन है अबेकस, कौन सी मशीन है, अबेकस। अगला प्रश्न है, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं लैपटॉप, क्या कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, ठीक है, लैपटॉप। अगला है आपका और लास्ट प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर का, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है और द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। तो ये थे वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।